कोर्ट में पेशी के दौरान सपा विधायक कैमरा देखते ही भड़क उठे। इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। पुलिस वालों के सामने झल्लाए सपा विधायक, बोले मैं जानवर हूँ, गधा हूँ, बंदर हूँ। ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए हम, गधे हो गए। कोर्ट में फूट फूट कर रोई इरफान सोलंकी की पत्नी, रोते रोते सीएम योगी से लगाई गुहार। कहाँ जाए बताइए, अब क्या इनको त्याग लेंगे, मरा हुआ समझ लेंगे, इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है। यूपी के महाराजगंज जेल से पेशी पर कानपुर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस वालों पर ही अपना आपा खो दिया। दरअसल पेशी के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी से धक्का मुक्की हुई तो वो गाड़ी में बैठते हुए चिल्लाते हुए पुलिस पर जमकर बरसे और बोले कि मैं एक विधायक हूँ, क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार जायज है। वैसे तो कोर्ट की तारीख के दौरान हर बार सपा विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर पुलिस से धक्का मुक्की और नोकझोंक होती रही है, लेकिन इस बार इरफान काफी गुस्से में लगे और पुलिस पर मीडिया के सामने ही बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अगर चाहे तो ये मेरा इस्तीफा ले ले, मैं अभी देने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार न किया जाए। मेरा अल्लाह है और जब तक ऊपर वाला है मेरे साथ इंसाफ हो गया। अब धक्का तो यार इनके खिलाफ तुम लोग नहीं चलाते, ये धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले। हम विधायक है या अपराधी है, आतंकवादी है क्या हम, ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग। विधायक है हम क्या है, धक्का मारा करते हमें। चलिए चल रहे भाई, बात ना कर यार, तुम लोग क्यों आते हो जब बात नहीं करने देते, क्यों बुलाते हो तुम लोग को, ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार। ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए हम, गधे हो गए भैया। इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले, बिल्कुल एक ही मकसद, एक ही काम। अरे चाहे डालते भाई। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी के जाने के बाद कानपुर कोर्ट में उनकी पत्नी नसीम फूट फूट कर रोई और बोली कि सरकार ने सभी को परेशान कर दिया है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए बोली कि महाराजगंज जेल में भी उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, पूरा परिवार परेशान हो चुका है, हम सभी थक चुके हैं, प्लीज माफ कर दो और उन्हें छोड़ दो। कल हमने वहाँ मुलाकात लगाई, जाली से मिलाई हुई है, बिल्कुल छोटी सी जाली से, अब हम यहाँ हमको 5 मिनट नहीं दिया गया, हमें इनसे बात कैसे होगी। अब मेरे बच्चे, हम लोग महाराजगंज जाकर आए तो वहाँ पर भी मुलाकात बहुत महीन से जाली, कैसे मिलाई होगी बताइए, कैसे यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, ऐसे हम ऊपर गए वहाँ पर भी वहाँ तो उनको अंदर नहीं जाने, ऐसे फ्री में गए तो उन्होंने भी हम लोगों को कह रहे अब हम 5 मिनट मिलवाए। कहाँ जाए बताइए, अब क्या इनको त्याग लेंगे, मरा हुआ समझ लेंगे, अब इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है, पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी है, मौसम में रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाए बताइए, हमारी परेशानी नहीं दिखती योगी जी को, एक औरत ने झूठ बोला, आग लगा दी, उसकी यकीन कर लिया, हम लोग रो रहे हैं, हमारी बात तो यकीन ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं भी गुनहगार नहीं, हम लोग के सारे एक भी सच्चाई, छोड़ दीजिए इनको, इनको मत परेशान करें, छोड़ दीजिए सरकार, बोले सब हम लोग के पीछे पड़ गए हैं, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको प्लीज, हम लोग बहुत परेशान हैं, टूट गए इनसे अपनी परेशानी का, हम लोग रोते नहीं इसका मतलब हम परेशान नहीं, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, महाराज का आना जाना कितना मुश्किल था। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के आधार कार्ड मामले में 20 मार्च को सुनवाई होगी और आगजनी वाले मामले में कोर्ट ने 25 मार्च की तारीख दी है। वहीं इरफान की 29 मार्च तक कोर्ट ने कस्टडी बढ़ा दी है, लेकिन इरफान सोलंकी जिस तरह से कोर्ट में पेशी के दौरान हर बार भड़कते हुए नजर आते हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।